नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज बी सी एम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर से एक आदेश जारी किया गया है, एक पत्र जारी किया गया है दिनांक 14 अक्टूबर 2022 को, जिसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त शासकीय कर्मचारियों के जो महंगाई भत्ता है उसमें बढ़ोतरी की गई है। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यह जो आदेश है वह 14 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रति शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़। विषय में कहा गया है कि राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 एवं पुनरीक्षित वेतनमान 2009 में दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें। आगे आदेश में कहा गया है कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 536F/2013-04-00416V-4 दिनांक 16 अगस्त 2022 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को माह अगस्त 2022 से सातवें वेतनमान में 28% की दर से तथा छठवें वेतनमान में 189% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को नियमानुसार दर से महंगाई भत्ता दिया जाए। इसमें कहा गया है कि वेतनमान, सातवां वेतनमान में जो है अवधि जब से देय होगी वह दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से देय होगी। महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है 5%। इस प्रकार से वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की जो दर है वह 33% हो जाएगी। उसी प्रकार से जिनको छठवां वेतनमान मिल रहा है उनको भी दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से उनके महंगाई भत्ते में 12% की वृद्धि कर दी गई है। अब वृद्धि के उपरांत उनकी जो महंगाई भत्ते की दर होगी वह हो जाएगा 201%। तो इस प्रकार से साथियों, सातवां वेतनमान के जो इंप्लाइज है जिनको सातवां वेतनमान के आधार पर सैलरी मिल रही है उनके महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि, और जिनको छठवां वेतनमान के आधार पर सैलरी मिल रही है उनके महंगाई भत्ते में 12% की वृद्धि राज्य शासन द्वारा कर दिया गया है। इसके लिए विधिवत आदेश भी जारी किया गया है। साथ ही इसमें कहा गया है कि राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से नकद भुगतान किया जाएगा। महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर ही की जाएगी, इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा। महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9-2-21 के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा। साथ ही कहा गया है कि महंगाई भत्ते के कारण किए जाने वाले भुगतान में 50% अथवा उससे अधिक पैसे हो तो उन्हें 75 रुपयों में पूर्णांकित किया जाएगा और 50% से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। यह जो आदेश है वह UGC, AICTE तथा कार्यभारी तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के सेवक सदस्यों पर भी लागू होंगे। इन आदेशों के अंतर्गत देह महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो। तो इस प्रकार से साथियों, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का आदेश जारी कर दिया गया, और इसके लिए वित्त विभाग द्वारा विधिवत जो आदेश है वह 14 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया है। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।